गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो ये बेकार की बोतें हैं, इनमें लगे हुए मेरे गार्डन के कुछ पौधे, कौन कौन से पौधे हैं वो भी मैं शेयर करूंगी और किन बोतलों में लगे हैं वो भी मैं शेयर करूंगी। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ शाम में जो है बारिश का पूरा मौसम बन गया है। और देखिए ये है रेन लिली। रेन लिली बल्ब के द्वारा लगाया जाता है। ये 1 लीटर की बॉटल में मैंने लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ हर साल मुझे फ्लावरिंग भी देता है। अगला पौधा देखिए फ्रेंड्स, ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी बहुत ही अच्छे से किसी भी प्रकार की बोतल में आप लगा सकते हैं, कोई भी कबाड़ में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चलेगा ये पौधा। रेन लिली के फूल बरसात में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं। एक बल्ब भी अगर आप लगा लेंगे तो आपके गार्डन में इसके ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये अगली बोतल है, इसमें भी रेन लिली लगा हुआ। ये भी 1 लीटर की बोतल है, तेल वाली बोतल है। रेन लिली जो है बहुत ही आराम से लगने वाला पौधा है, हार्डी प्लांट है। ये 2 लीटर की बोतल है और इसमें भी मैंने रेन लिली लगाया हुआ है। रेन लिली एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कभी मरता ही नहीं है, हमारे गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेता है। मैं इसके 2 पौधे लेके आई थी, आज मेरे पास इसके अनगिनत पौधे हैं। बहुत सारे चीज़ों में मैंने इनको लगाया हुआ है। बेकार की बोतलें हैं, बेकार के कंटेनर हैं। ये देखिए ये कैक्टस है, कैक्टस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस छोटी सी नन्ही सी बॉटल में लगाया जो कि प्लांटर के रूप में यूज़ किया हुआ है मैंने, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में ये कैक्टस। पोतलों को आप बिल्कुल भी कूड़े कचरे में मत फेंकिए, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो इस गर्मियों में आप जो है इन बोतलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए, इनमें पौधे लगाइए और हरियाली देखिए और एक छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाइए। इनमें पौधे लगाना बहुत ही आसान होता है। नीचे आपको अच्छे से होल बनाने हैं, वेल्डेन आपको मिट्टी का यूज़ करना है और आप इनमें देखेंगे कि आपके पौधे आराम से चलेंगे। 5 से 6 साल इन बोतलों को कुछ भी नहीं होता है। मेरे गार्डन में ऐसी बहुत सारी बोतलें हैं जो कि 5 से 6 साल से जो है मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ मुझे फ्लावरिंग भी देता है, ग्रीनरी भी देता है। तो इन बोतलों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बोतल आप ले सकते हैं, 0.5 लीटर की, 1 लीटर की, 2 लीटर की, और आप कोई भी पौधे इनमें लगा सकते हैं। गुलदाउदी बहुत ही खूबसूरती के साथ इस 2 लीटर की बॉटल में चल रहा है। मुझे इस बॉटल में इस साल जो है फ्लावरिंग भी देखने को मिली थी, येलो कलर के फ्लावर आए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इस 2 लीटर की बोतल में लगे हुए गुलदाउदी के फूल। गुलदाउदी के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये एक परमानेंट प्लांट है। तो गुलदाउदी का पौधा भी आप बोतल में लगा सकते हैं। मैं देखना चाहती थी कि इसमें फ्लावर आते हैं या नहीं आते हैं। ये भी देखिए 1 लीटर की बॉटल है, इसमें ड्रेसिना का प्लांट लगा हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरती से चल रहा है, कटिंग का पौधा है। तो ये पौधा भी आप 1 लीटर की बॉटल में आराम से लगा सकते हैं, कोई भी बोतल में आप लगा सकते हैं। इन्हें रखना बहुत ही आसान है। इनमें आप अगर डोरी लगा देंगे साइडों से तो आप इनको हैंग भी कर सकते हैं, तो आपकी जगह की भी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। देखिए ये बोतलें जो होती हैं ये कूड़े कचरे में जाती हैं, पहाड़ का रूप लेती हैं। ये देखिए ये नागचंपा का प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। 2 लीटर की बॉटल में मैंने लगाया हुआ है, कटिंग से बहुत ही खूबसूरती के साथ देखिए ग्रो कर रहा है। अगर हुआ तो ये इस साल मुझे फ्लावरिंग भी देगा दोस्तों। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ मेरा पौधा नागचंपा का। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, कटिंग से ये पौधा बहुत ही इजीली लग जाता है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।